घरेलू उपाय में आप सभी का स्वागत है। आज जो इम्पोर्टेंट टॉपिक आप सभी के लिए लेकर आया हूँ, अगर यह नुस्खा या यह उपाय या यह टोटका आप दिवाली की रात करते हैं तो आपको अवश्य ही लाभ मिलेगा। और आज का जो टॉपिक है, गृह कलेश को शांति में बदलने का यह टोटका। जी हाँ दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं तो हमारे वीडियो को अंत तक देखते रहें। और आपने अगर अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल घरेलू उपाय अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे तुरंत सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि इस चैनल पर हम आपके लिए ऐसे नुस्खे, ऐसे टिप्स और ऐसे उपाय लेकर आते रहते हैं जो आपके जीवन को सरल और सुखमय बनाने में बहुत ही कारगर साबित होते हैं। तो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल घरेलू उपाय तुरंत सब्सक्राइब कर ले। आते हैं अपने टॉपिक पर, गृह कलेश को शांति में बदलने के लिए यह टोटका। यदि आपके घर में बहुत ज़्यादा क्लेश रहता हो तो दिवाली के दिन माँ लक्ष्मी की पूजा के बाद दो गोमती चक्र लेकर एक डिब्बे में सिंदूर बिछाकर उस पर रख दें। इसके बाद डिब्बे को बंद कर घर के किसी ऐसे एकांत स्थान पर रखे दें जहाँ किसी की नज़र न पड़े। ध्यान रहे, इस प्रयोग के बारे में किसी को भी बताना नहीं है। घर में शीघ्र ही कलेश मिट जाएगा और शांति आएगी। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी ऐसा उपाय करेंगे दिवाली की रात तो अवश्य आपके घर से क्लेश मिट जाएगा और शांति आपको प्रदान होगी। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। और आपके मन में कोई भी सवाल या सुझाव चल रहा हो तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर तुरंत बताएं। और आपने अगर हमारा YouTube चैनल घरेलू उपाय अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों इसे तुरंत सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आगे भी ऐसी ही इंपॉर्टेंट जानकारी हम आपके लिए लेते रहेंगे, आते रहेंगे। तो हमारे YouTube चैनल घरेलू उपाय तुरंत सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसी ही एक्साइटिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।